बछड़ी बिल्कुल सेम क्वालिटी की आई है जो गायें हमने एक बार तकरीबन 7-8 दिन पहले भी शो की थी, जो सेल के लिए अवेलेबल थी, फॉरेन ब्रीड फुल ऑर्डर क्वालिटी। और आज तकरीबन 3 दिन की ये ऑर्डर से खाली होके मतलब दूध में आ रही है, तो अभी फीडिंग वगैरह नॉर्मल इसकी चल रही है, कोई एक्स्ट्रा डाइट अभी शुरू नहीं की है, ना ही फीड शुरू की है, सिर्फ भूसा साइलेज ये दो चीज़ें इनको अभी दी जा रही हैं। आज की ये अभी शाम की मिल्किंग आपको दिखाते हैं कितना तकरीबन निकालेगी, लगभग ये 15-16 लीटर के आसपास एक टाइम का अभी कर रही है जो खींच दे रही है। तो मेरे उम्मीद में यही है कि 3 टाइम मिल्किंग में हम लाएंगे, धीरे धीरे फीड बढ़ाएंगे 11 दिन बाद, तो ये लगभग 45 से 50 के बीच जानी चाहिए। और हमारे पास अभी महाराष्ट्र से आए हुए हैं जो किसान भाई, उनकी भी अभी परचेज शुरू है, तो उनके आने पे ही हमने इस गाय को अभी स्टार्ट किया है कि इसको एक बार अभी खाली मिल्किंग का टाइम हुआ था तो ये भी देख रहे हैं, और आपको भी दिखाते हैं कि कितना अभी इस टाइम इसने दूध निकाला। और हो गई संजय खाली, होगी अभी देखते हैं कितना की करेगा। ये फर्स्ट गाय यही अभी दूध पे लगाई है, इसके बाद बाकी सारी गायों का अभी होना बाकी है। तकरीबन आज 40 के आसपास एनिमल्स हैं और 20-22 एनिमल्स बच्चे वाले हैं दूध वाले, तो देखिए अभी क्या है उनका। देखो उठा के कहना है तकरीबन अभी देख लीजिए, कल से इसका थोड़ा बड़ा ही है, मेरे हिसाब से 17-18 लीटर के आसपास अभी इस टाइम होगा इसका, क्योंकि डे बाय डे गाय आज खाली हो गई है फीस से, तो बिल्कुल अडर आज खाली कर दिया हमने दूध में। इधर पाके देख ला, ये जो महाराष्ट्र से किसान भाई आए उनके सामने मिल्किंग भी हुई और लाएँ पूरा पीक पे ला के हम कम से कम 45 से ऊपर करके ही इसको सेल करेंगे, तो जल्दी इसका तकरीबन 10 से 12 दिन वेट कीजिए और पूरी मिल्किंग इसकी आपको अपडेट होती रहेगी, क्योंकि जस्ट रैंडम वीडियो बनाई थी अभी मिल्किंग होने ही वाली थी, पर डे बाई डे जैसे इसकी होगी तो दोनों टाइम के बाद अब 3 टाइम पर लाएँगे धीरे धीरे, फिर 3 टाइम का पूरे दिन का इसका रिकॉर्ड करवाएंगे। तो अभी जस्ट हमने दिखाया है कि गाय ने बच्चा दे दिया और दूध आना शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे जितना हाई तक जाएगी उतना इसका दिखाएंगे। और बछड़ी टॉप क्लास की है, देख लो बताया था आपको सेक्सुअल सीमन लगाया और बछड़ी की क्वालिटी सेम, बिल्कुल पीठ पुट्ठा गाय का रंग सब चीज़ उसी पे है।